तो यार डीसी ने अपना मोस्ट अवेटेड ब्लैक एडम का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया है। और यार मेरी मानो तो ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। ट्रेलर को देख के लग रहा है कि हाँ डीसी हम सब सुपर हीरो फैंस के लिए कुछ ज़बरदस्त लाने वाला है आगे चल के। शायद यही कारण है जिस वजह से सबकी नज़रें ब्लैक एडम पे बनी हुई है। और यार अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो हम सबको यही उम्मीद है कि ये डीसी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। और वहीं अगर हम कॉमिक बुक की बात करें तो यार ब्लैक एडम उन कैरेक्टर्स में से एक है जिनके एक से ज़्यादा ओरिजिन्स रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम ब्लैक एडम के चार ओरिजिन्स में से उन दो ओरिजिन्स पे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा रिसेंट हैं। तो 2013 में आई शज़ैम न्यू 52 कॉमिक वाले ओरिजिन की बात करें तो यार ये स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ 5000 साल पहले कंदक शहर में। तो यार कंदक एक एंशिएंट इजिप्ट का शहर है जहाँ पे बड़े बड़े जादूगर रहा करते थे। पर यार सिटी में बढ़ते हुए हिंसा और अत्याचार के कारण ये लोग शहर को छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद आईपैक और उसके गुंडे शहर पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं, जिसमें से एक छोटा बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है अमन, जिसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता है और उसे मार पीट के ज़बरदस्ती माइंस में काम करवाया जाता है। फिर एक दिन अचानक एक आदमी अमन को वहाँ से बचा लेता है। अमन भी उस आदमी को देख के काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका मामा टेथ एडम होता है। फिर वो अमन को बताता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये सब बात करते हुए ही वहाँ पे बाकी के गार्ड्स आ जाते हैं जो उन दोनों पे हमला करने लगते हैं। तभी मामा अमन से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, पर अमन उसकी एक भी बात नहीं मानता है और उसे कंधा देते हुए वो दोनों वहाँ से साथ में भागने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद अचानक से आसमान में एक बिजली कड़कती है और वो दोनों एक अनजानी जगह पे पहुंच जाते हैं। जब अमन उस जगह को ध्यान से देखता है तो वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, जिसमें से एक आदमी अमन को बताता है कि वो रॉक ऑफ इटर्निटी में है। तो यार ये समझ लो रॉक ऑफ इटर्निटी एक ऐसी जगह है जहाँ सारे जादूगर रहते हैं, जिसे हमें शज़ैम मूवी में भी दिखाया गया था। तभी वो आदमी अमन को बताता है कि वो सारे जादूगर अपना एक चैम्पियन चूज़ करते हैं जिसे वो अपनी सारी पावर दे सकें और वो बाहर दुनिया में जाके इंसानियत की मदद कर सके, और इस बार उन्होंने अमन को चुना है। तभी अमन कहता है कि वो ये तभी कर सकता है जब वो लोग उसके मामा को बचा लें। तो जादूगर कहता है कि तुम मेरा नाम जोर से बोलो और मेरी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, जिसके बाद वो दोनों ज़ोर से चिल्लाते हैं शज़ैम और उनके पास विज़र्ड की सारी पावर्स आ जाती हैं। फिर अचानक से वो दोनों कंदक शहर में वापस आ जाते हैं। फिर एडम अमन से कहता है कि इन पावर्स की मदद से अब वो दोनों आईपैक के लोगों को मार के सभी बाकी लोगों को आज़ाद करवा सकते हैं, लेकिन अमन नहीं मानता है, जिसके बाद एडम समझ जाता है कि अमन के होते हुए वो अपना बदला कभी नहीं ले पाएगा, जिसके चलते वो अमन को मार देता है। और अमन को मारने के बाद डेथ एडम बन जाता है ब्लैक एडम। भाई यार अगर हम 1995 में आई कॉमिक में ब्लैक एडम के ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो वहाँ हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि विज़र्ड शज़ैम की बेटी लेडी ब्लेज विज़र्ड को कैद करके उसकी मर्जी के बिना इजिप्शियन गॉड की सारी पावर्स ब्लैक एडम को दिलवा देती है और आगे चल के उसे वो करप्ट भी कर देती है। बट फाइनली जब विज़र्ड शज़ैम आज़ाद होता है तो वो ब्लैक एडम की सारी पावर्स को एक एम्बलेट में कैद कर देता है और फिर ब्लैक एडम और उस एम्बलेट को दोनों को ही एक टूम में बंद कर देता है। लेकिन फिर काफ़ी हज़ार साल बाद डॉक्टर शिवाना, हाँ वही डॉक्टर शिवाना जो हमें शज़ैम मूवी में देखने को मिले थे, ये एक आर्कोलॉजिस्ट की टीम हायर करता है जिसमें कि बिली बैटसन के माँ बाप और थियो एडम होते हैं। अब क्वेस्ट में आगे चल के इन लोगों को ब्लैक एडम की ट्यूब मिलती है, जिसके बाद थियो एडम अपने आप को ब्लैक एडम का रीइंकार्नेशन मानने लगता है और जिसके चलते हुए वो बिली बैटसन के माँ बाप को मार देता है, जिसके बाद थियो एडम अपने आप को ब्लैक एडम में बदल लेता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो जिन्हें मार्वल ने बर्बाद कर दिया तो ऊपर वाली वीडियो देखो, और वांडा के कुछ शॉकिंग बट इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप को जानने के लिए नीचे वाली।